ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। चुनावी साल में राजस्थान में कांग्रेस आलाकमान की पार्टी को एकजुट करने की कोशिश के बीच प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने एक मीडिया संस्थान के कार्यक्रम में भाग लेते हुए जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दिए गए गद्दार और कोरोना वाले बयान पर जोरदार जवाब दिया है, तो वहीं बीती 25 सितंबर की घटना पर भी बेबाकी से अपनी बात रखी है। न्यूज 18 इंडिया के चुनावी कार्यक्रम चौपाल में भाग लेते हुए सचिन पायलट ने आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के जीत की बात दोहराते हुए बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी सहित ओवैसी पर भी जोरदार निशाना साधा है। बता दे, दिल्ली में आयोजित न्यूज 18 इंडिया के चौपाल कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे राजस्थान कांग्रेस के पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने राजस्थान की राजनीति पर खुलकर अपनी बात रखी है और साथ ही इशारों में एक बार फिर अपने विरोधियों पर भी जोरदार निशाना साधा है। इस दौरान सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गद्दार शब्द और कोरोना वाले बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आप मेरे ऊपर ये आरोप तो नहीं लगा सकते कि मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया हो कभी किसी के लिए भी। मेरे संस्कार ऐसे नहीं है, जिसने जो प्रयोग किया आप उनसे पूछे कि आपने क्या सीखा है। पायलट ने कहा कि मैं मानता हूं कि सार्वजनिक जीवन में शब्दों का चयन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सचिन पायलट ने आगे कहा कि आप मुझसे पूछ सकते हैं मैंने क्या किया। मैंने हमारी संस्कृति, हमारी जो परवरिश है समाज में, हमेशा हमसे जो उम्र में बड़े लोग हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो, किसी दल का हो, हमने हमेशा मान सम्मान ही दिया है व्यक्तिगत रूप से। पूर्व पीसीसी चीफ पायलट ने आगे कहा कि जिन शब्दों का प्रयोग मेरे बारे में किया गया किस इंसान को बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं भी वही रिस्पॉन्ड करूंगा और तीखे शब्द बोलूंगा, उससे लाभ किसको मिलेगा, जो लोग हमें देख रहे हैं वो क्या सोचेंगे, ये तो जिस व्यक्ति ने बोला उनको सोचना चाहिए। मैंने अपने जीवन में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया। इस दौरान सचिन पायलट ने बीते साल 25 सितंबर को हुए घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस आलाकमान को कटघरे में खड़ा करते हुए बड़ा सवाल किया और कहा कि 6 माह बीत जाने के बाद भी अब तक इस घटना को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जो आश्चर्य का विषय है, जबकि पार्टी आलाकमान के निर्देश पर ही 25 सितंबर को विधायक दल की बैठक होनी थी। पायलट ने आगे कहा कि लेकिन कुछ लोग पार्टी आलाकमान के निर्णय विरुद्ध गए, इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, जो सोचने का विषय है। आगे पायलट ने अपने बयान में कहा कि पार्टी आलाकमान उन लोगों को 3-3 बार नोटिस दे चुकी है, लेकिन समझ में नहीं आता अभी तक इस मामले में कुछ भी नहीं हुआ। पायलट ने कहा कि इस मामले को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व वरिष्ठ नेताओं को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, जबकि इस मामले में हाईकमान ने ही इन लोगों को दोषी माना है, तभी तो पार्टी ने इन लोगों को नोटिस जारी किया है, लेकिन अब तक यह समझ नहीं आ रहा है कि इस मामले में हाँ हो रही है या ना, सारा मामला अधर से जुड़ रहा है, पार्टी को इस ओर ध्यान देना चाहिए। वहीं राजस्थान में अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर पायलट ने कहा कि राजस्थान में अशोक गहलोत को सीएम बनाना पार्टी का फैसला था, हम सबकी इसमें सहमति थी। वैसे भी हमारे समाज में उम्र का एक प्रीमियम होता है, राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, जब हारते हैं तो इतना लंबा हारते हैं कि वो गैप लंबा हो जाता है। पायलट ने कहा कि उनको हार का डर नहीं लग रहा है, लेकिन इतिहास से सीखना तो पड़ेगा। मैंने अपनी पार्टी में कुछ सुझाव दिए थे ताकि ये पुनरावृत्ति नहीं हो, बाकी स्टेट में कांग्रेस सरकार रिपीट हुई है। सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में सबको मिलकर काम करना होगा, अभी बहुत काम करने की जरूरत है। वहीं ओबीसी के राजस्थान में आकर चुनाव लड़ने के सवाल के जवाब में पायलट ने कहा कि जो भी राजस्थान में आकर चुनाव लड़ना चाहता है स्वागत है, हमें किसी से डर नहीं। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने अच्छा काम किया है, बचे हुए कार्यकाल में और मेहनत करनी होगी, हमें जनता सपोर्ट करेगी। वहीं आगे पायलट ने आगामी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को हराने के सवाल पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि क्यों नहीं हरा सकते हैं, कौन ऐसा है जिसे चुनाव में पराजित नहीं कर सकते हैं, हिमाचल में चुनाव था, सब बड़े नेता गए, लेकिन वहां सरकार कांग्रेस की बनी। पायलट ने आगे कहा कि देश का मतदाता ये नहीं चाहता कि नेता ये सोचे कि वोट हमारी जेब में है, 2024 में विपक्ष का चेहरा कौन होगा ये अहम नहीं, बल्कि मुद्दे ज्यादा जरूरी है, मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए।
मुद्दे धार्मिक जज्बाती नहीं होने चाहिए। 10 साल बाद अब जनता बदलाव चाहती है, विपक्ष को मौका बुनाना चाहिए। पॉलिटॉक्स ब्यूरो दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।